हेलो We are वी आर बैक new अ न्यू लेसन will टीच यू हाउ टू टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश क्या टाइम हो रहा है अभी नौ बज के दस मिनट इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे इस लेसन में टाइम को समझाने के लिए चाहिए मुझे एक क्लॉक और क्लॉक तो मुझे आसपास कहीं दिख नहीं रहा है लेट मी डू अ मैजिक अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है या फिर कितने बजे हैं तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच या फिर वॉट इज द टाइम इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि नौ बजे हैं इसे हम ऐसे कहेंगे नाइन ओ क्लॉक ठीक उसी तरीके से जब दस बजेगा तो हम कहेंगे इट्स टेन ओ क्लॉक इलेवन ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक एट्सेट्रा हम इंग्लिश में टाइम को ए एम और पी एम का यूज़ करके भी बता सकते हैं अब समझते हैं कि ए एम और पी एम कब यूज़ करना है रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक का टाइम बताने के लिए हम ए एम का यूज़ करते हैं और ठीक उसी तरीके से दोपहर के 12 बजे से लेकर 11:59 रात तक के लिए टाइम बताने के लिए हम पी एम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे बोलेंगे I get my newspaper by 6 a.m. We eat lunch around 2 p.m. चलिए अब देखते हैं कि नौ बज के दस मिनट नौ बज के पंद्रह मिनट साढ़े नौ पौने दस और नौ बज के पचास मिनट को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे तो हम नौ बज के दस मिनट को नाइन टेन सिंपली कह सकते हैं या फिर टेन पास्ट नाइन कहेंगे ठीक उसी तरीके से नौ बज के पंद्रह मिनट को क्वार्टर पास्ट नाइन कहेंगे साढ़े नौ को हम कहेंगे हाफ पास्ट नाइन नौ पैंतालीस को हम कहेंगे क्वार्टर टू टेन यहाँ पे एक ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं जिस तरीके से हम हिंदी में कहते हैं पौने दस उसी तरीके से क्वार्टर टू टेन इंग्लिश में नौ पचास को हम कहेंगे टेन टू टेन जैसे हिंदी में हम कहते हैं दस मिनट बाकी हैं दस बजने में उसी तरीके से टेन टू टेन इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगी जिसे इंग्लिश में कहने में काफी कन्फ्यूजन होता है 9:20 या फिर 9:40 इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 20 पास्ट 9 9:40 को हम कह सकते हैं 40 पास्ट 9 या फिर 20 टू 10 दस बजने में बीस मिनट बाकी है लेट मी टेल यू अ स्टोरी इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टाइम का और अभी जो मैंने फ्रेजेस सिखाया है इसे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ इंग्लिश में यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे आई वेक अप एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक एट टेन पा सिक्स आई कम बैक होम बाई ट्वेंटी पा सिक्स और हाफ पा सिक्स देन आई टेक शावर एंड ईट ब्रेकफस्ट एंड आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स अराउंड क्वार्टर टू सेवन देन आई लीव माई हाउस फॉर ऑफिस एट सेवन ओ क्लॉक आई रीच ऑफिस बाई